वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। बॉर्डर पर जवानों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं। ये देखिए, जब जवान पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, अगर इन्हें कोई मूवमेंट उस तरफ दिखती है तो जवान जो है पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। साहब यहाँ खतरा तो ऐसे, ये देखिए हमें यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आने का, आपको दिखाने का हमारा मकसद यह है कि देखिए जवान जो है किन चुनौतियों का सामना करते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती होती है घना जंगल, क्योंकि ये LOC का इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए कि जवान जब पेट्रोलिंग करते हैं, एक एक कदम जो है फूक फूक रखना होता है, क्योंकि माइंस का भी खतरा होता है, यहाँ पर स्नाइपर का भी खतरा होता है, और पाकिस्तान जो कोशिश करता है कि गात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया जाए। आप देखिए कि लेटेस्ट वेपन है ये, सिग्जार वेपन है। उसके साथ आप देखिए कि जो जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनके हाथों में है DSMD, यानी डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। ये माइन को डिटेक्ट करता है, और एंटी माइन शू जो है वो पहने हुए हैं। ये देखिए कि पूरी तरह से जवान अलर्ट हैं। साहब खतरा कितना ज्यादा बना रहता है? खतरा तो हमारा ये चलता रहता है, ये हमारा लिए कुछ खतरा नहीं है। आपके होते हुए दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। ये देखिए जवानों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद है। वो बता रहे हैं कि उनके होते हुए दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। ये देखिए बकायदा दूरबीन से जो है वो नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस फेंसिंग के आगे चंद मीटर के बाद शुरू हो जाती है पाकिस्तान की सीमा, यानी POK का इलाका। POK का वो ये इलाका है जहां हमें जानकारी मिली है कि आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड हैं, और हमारे जवान बेहद ज्यादा मुस्तैद हैं। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, जवान जो है इसी तरह से अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि दुश्मन जो है आतंकियों की घुसपैठ करवाने में कामयाब ना हो पाए। दिन हो या रात, बारिश हो या चलचलाते धूप, हमारे जवान न तो रुकते हैं और ना ही थकते हैं। पहाड़ हो या मैदान, जंगल हो या नदियां, उनकी नजर हमेशा सीमा पार आतंकियों के हलचल पर रहती है। बिना हिले बिना डोले भूखे प्यासे ये जवान कटीली झाड़ियों के बीच जंगल में बैठे और लेटे रहते हैं। ये देखिए जवानों की संख्या में भी बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। ये सामने का इलाका आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए सामने फैंसी के आगे जो है ये POK का इलाका है। ये POK का वो इलाका है जो बदनाम है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के लिए। लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की पोस्टें हैं, जिन पोस्टों में कायर पाकिस्तान ने आतंकियों को बिठाकर रखा है। ये देखिए लगातार जो जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं, और इनके सामने चुनौती कदम कदम पर होती है। लेकिन इन जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट, हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं, उपकरण अत्याधुनिक हैं। ये सामने आप देखिए सिग्जार वेपन, उसके साथ नाइट विजन डिवाइस, यानी ये डिवाइस जो है रात के समय में भी कारगर होती है। छोटी से लेकर बड़ी हरकत जो है इससे बच नहीं पाएगी। आप देखिए ये लेटेस्ट वेपन है, ये देखिए। उसके साथ एक और वेपन हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए जवान जब पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ पूरा साजो सामान जो है वो कैरी कर रहे हैं। ये देखिए निगेव LMG, ये भी लेटेस्ट वेपन है। ये देखिए इन जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाने में कामयाब ना हो पाए। देखिए ये जवान कैसे घात लगाकर जंगल के बीच बैठे रहते हैं। इनका ये मकसद होता है कि अगर आतंकी घुसपैठ कर हमारे एरिया में दाखिल हो तो उन आतंकियों का काम तमाम किया जाए। जंगल में बैठे इन जवानों को कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने विशेष सूट पहना हुआ है और लेटेस्ट वेपन लिए होते हैं। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगेबान हो आंखें। और ये वही बहादुर सेना के जवान हैं जो 2400 घंटे अलर्ट रहते हैं, हर समय दुश्मन पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। घने जंगल का इलाका है, LOC से सटा हुआ इलाका है, और बिल्कुल ही जीरो लाइन पर हम इन जवानों के साथ मौजूद हैं। ये देखिए कटीली झाड़ियां हैं, घना जंगल है, एक एक कदम फूक फूक रखना होता है। आप देखिए कि जवान जो हैं जो जिली सूट में यहां पर लेटे हुए हैं, यहां पर गर्मी भी बेहद ज्यादा है, और कई कई घंटों तक इसी तरह से ऑपरेशन में डटे रहते हैं। चुनौतियां बेहद ज्यादा होती हैं, लेकिन रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं। जो जवान पेट्रोलिंग करते हैं वो एक एक कदम फूक फूक रखते हैं। ये जवानों को देखिए, ये बेहद ज्यादा अलर्ट रहते हैं। और यहां पर जितने भी जवान जो हैं घने जंगलों में जब मिशन पे उतरते हैं तो देखिए कैसे पलक झपकते ही आतंकियों का काल बनते हैं। ये देखिए यहां पर जो जवान है वो बेहद ज्यादा अलर्ट रहते हैं। ये देखिए यहां पर, क्योंकि खतरा बेहद ज्यादा है, हम इन जवानों के साथ यहां पर घने जंगल के बीचों बीच हैं। और ये देखिए आज पूरा देश
अगर आजादी का जश्न मना रहा है इन जवानों की बदौलत। आतंकियों से निपटने के लिए सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि जवानों के लिए अत्याधुनिक हथियार भी लगातार सेना के बेड़े में शामिल होते रहते हैं। ऐसा ही एक नया हथियार मिला है इंडियन आर्मी के जवानों को, जो है FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये वो लेटेस्ट ड्रोन है जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। ये है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये देखिए बेहद छोटा ड्रोन है और ये जो ड्रोन है ये दिन रात आंधी तूफान में काम कर सकता है। और अक्सर जो आतंकी हैं वो घने जंगलों के बीचों बीच छिपे रहते हैं, गुफाओं में छिपे रहते हैं, नदी नालों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये आसानी से जंगल में छिपे बैठे आतंकियों को ढूंढ निकालेगा। और जो हमारा सेना का बहादुर जवान इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, ये आप देखिए कि इस गॉगल पर इन्हें जो है पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो व्यू है वो इन्हें दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपने ये ड्रोन नहीं देखा होगा। साहब इस ड्रोन की खासियत क्या है? इस ड्रोन की मुख्य खासियत यह है कि यह ड्रोन छोटा होने की वजह से ये जंगल के बीचों बीच जाके जहां हम अंदर जा नहीं सकते उस जगह को ये अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है। हमारी सेना सीमा की सुरक्षा के लिए कितनी लेयर की निगरानी रखती है तस्वीरें देखने के बाद ही आपको यकीन होगा। इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम को समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं उस कंट्रोल रूम में जहां से सरहद की एक एक इंच की जमीन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी घुसपैठ के फिराक में, ऐसे में सेना बेहद ज्यादा अलर्ट है। जैसे ही कोई मूवमेंट नजर आती है तो सर्विलांस रूम में बैठा जवान अपने साथी जवानों को अलर्ट कर देता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लेटेस्ट कैमरे जो बॉर्डर पर लगाए गए हैं वो हमारे जवानों के लिए बेहद ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर आपको अलग अलग स्क्रीन दिख रही होगी। जो कैमरे लगाए गए हैं इनकी खासियत यह है कि ये कैमरे जो हैं दिन रात काम करते हैं, और सबसे अहम आंधी तूफान बारिश कोहरा मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो ये कैमरे बेहद ज़्यादा कारगर हैं। ये देखिए एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है। ये सामने तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान की पोस्टें हैं, और यहाँ पर जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक कहने को ये पाकिस्तानी पोस्टें हैं लेकिन सूत्रों के मुताबिक यही है आतंकियों के लॉन्चिंग पैड। ये आप देखिए यहाँ पर एक आतंकी जो है ये देखिए ये पाकिस्तानी पोस्ट से नीचे आ रहा है, हमारे जवानों ने इस ये देखिए नीचे जंप किया है, देख लिया है। अब इस जवान को आप देखिए कि जो आगे फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे जवान हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है, यानी अगर ये आतंकी अगर ये घुसपैठिया यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, हमारी सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम किया जाएगा। भारतीय सेना के जवान देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और हम और आप सुरक्षित रहें। सेना के जवान सीमा पर दिन रात पेट्रोलिंग के साथ साथ अपनी पोस्ट से भी पाकिस्तान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान लैस हैं और दिन रात इसी तरीके से अपनी निगाहें काउंटर पार्ट पर रखते हैं ताकि आतंकी तो क्या हमारी सीमाओं में परिंदा भी पर ना मार सके। खतरा तो बहुत ज्यादा है। खतरा बहुत है, बावजूद इसके पूरी तरह से अलर्ट है। पूरा अलर्ट है सर। ये देखिए यहाँ पर जवानों को बेहद ज्यादा अलर्ट, ये देखिए खतरा कदम कदम पर, और इनका बस एक ही मकसद है देश की आन बान और शान हमेशा बनी रहे, दुश्मन हमारी सीमा में दाखिल ना हो सके। नहीं दाखिल हो सकता दुश्मन हमारी सीमा में? नहीं हो सकता सर। देशवासियों को संदेश क्या रहेगा? आज़ादी का जश्न मनाइए अपने घरों में, धूमधाम से मनाइए, बॉर्डर पर हम खड़े हैं। कोशिश तो दुश्मन कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाए, हो नहीं सकता ना, हम इतना अलर्ट ड्यूटी दे रहे हैं सर। बिल्कुल, आप जिस जगह पेट्रोलिंग करें बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका है, यहाँ पर कदम फूक फूक कर रखना होता है। हाँ सर बिल्कुल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हाजीपीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पर मोहल्ला, रंगकडी, सीढ़िया, समानी, भिम्बर, ये वो इलाके हैं जो POK में आते हैं और यहाँ पर भी कई आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 200 आतंकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। बॉर्डर पर इस समय 4 ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। पहला
ऑपरेशन शत्रुनाश, ऑपरेशन काल, ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन चक्रव्यूह। इन तमाम ऑपरेशन का मकसद है कि चुन चुन कर आतंकियों को ढेर करना। यह आप भारतीय सेना के जवानों को देखिए कि बिल्कुल ही जीरो लाइन पर इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जवान लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं। जिस जगह पर जवानों के साथ हम मौजूद हैं, यहां पर चुनौती कदम कदम पर है, खतरा कदम कदम पर है, क्योंकि करीब 20,000 फीट की ऊंचाई है और यहां से आगे जो है यह पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। इन जवानों का यही मकसद है कि दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देना है। भारतीय सेना के जवानों को बेहद कम समय मिलता है कि वो रेस्ट या आराम कर सके। हालांकि फॉरवर्ड पोस्ट पर जो जवान ड्यूटी देते हैं, वहीं पर उनके लिए लिविंग बंकर बने हुए हैं। जवान यहां जूते पहनकर सोते, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते, क्योंकि पता नहीं कब इन्हें मैसेज आ जाएगा, इन्हें तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए अटैक मोड में आना पड़ जाएगा। एलओसी पर सेना के बहादुर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और घने जंगलों में कैसे गात लगाकर आतंकियों का काल बनते हैं सेना के ये बहादुर जवान। ये तस्वीरों में आप देखिए कि इन घने जंगलों में बिना हिले बिना डुले ये जवान 8 से 10 घंटे तक इसी तरह से बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। और आप देखिए कि क्योंकि अभी बेहद ज्यादा खतरा है, ये देखिए यहां पर दो जवान आपको दिख रहे हैं। दूसरा जवान जो है ये कमांडर है इस जवान का, स्पॉटर स्कोप लिए हुए है। इस स्पॉटर स्कोप की जो रेंज है करीब 5 किलोमीटर है, यानी इसकी जो विजिबिलिटी है वो रात की भी है, दिन की भी है। छोटी हरकत होगी, बड़ी हरकत होगी, इस स्पॉटर स्कोप से बच नहीं पाएगी। ये कमांडर इस जवान को कमांड देगा कि आगे दुश्मन है, आगे कोई हलचल है, कोई घुसपैठिया है, एक गोली से ये बहादुर जवान जो है उस आतंकी का काम तमाम कर देगा। जवान 20,000 फीट की ऊंचाई से भी देखिए कैसे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ये एलओसी का इलाका है, इसके सामने का इलाका पीओके का है और पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हुए हैं। लॉन्चिंग पैड में आतंकी एक्टिव है जो कि एलओसी के बेहद नजदीक पहुंचे। आप देखिए कि कैसे जवान दुश्मन के हर एक नापाक इरादों पर पानी फेरते हैं। ये देखिए यहाँ साइरन बजाया गया, ये देखिए जवानों को, यानी कुछ हुआ है, इन्हें मूवमेंट मिली। और ये देखिए पलक झपकते ही जो जवान है वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जवानों को लगातार जो आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि इन्हें अलर्ट किया गया है कि आगे कोई मूवमेंट है। उसके बाद आप देखिए इन जवानों को कि कैसे, ये देखिए जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इन जवानों को जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया इन्होंने, ये देखिए सामने तस्वीरों में, क्योंकि रेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इन जवानों को अलर्ट किया गया, इन्हें बताया गया कि कुछ आगे मूवमेंट है, उस पर अलर्ट हो गए। साहब आप लोग तो लिविंग रूम में थे, लेकिन बिल्कुल आप लोग अभी अलर्ट मोड पे आगे कुछ हुआ? जी साहब, यहाँ पर हमें अलार्म रेज होता है तभी हमें अपने एक्शन करना होता है। जो हमारा पोजीशन है, ऑलरेडी पोजीशन है हमारा, वहाँ पर बैठना होता है बस। तो खतरा चुनौती कदम कदम पर रहती है। हाँ जी, ड्यूटी वाला होता है वो देख के उसको अलार्म को रेज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एलसी का इलाका है, ये देखिए करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय मौजूद हैं। ये देखिए सामने दूसरे जवान को बेहद ज़्यादा अलर्ट, क्योंकि जैसे ही अलार्म बजता है जवान अलर्ट हो जाते हैं। क्या कहेंगे, दुश्मन को क्या चेतावनी देंगे? सर अभी 15 अगस्त का त्यौहार आ रहा है सर, हम इधर चट्टान की तरह खड़े हैं। देशवासियों को हम यही देना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है और अपनी आज़ादी का खुशी मनाएं। यकीन, ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है जो दुश्मन से न सिर्फ टकराने का दमखम रखता है बल्कि दुश्मन को उसी की मान में घुसकर खत्म करने का दम भी रखता है। एलओसी पर भारतीय सेना के मुस्तैद साफ संदेश है पाकिस्तान को कि अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो फिर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यही वो जवान है जो हमें सुरक्षित रखते हैं दुश्मन से और अपनी नजरें 24 घंटे दुश्मन पर बनाए रखते हैं। 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखते हैं? जी, 24 घंटे दुश्मन बनाए रखते हैं। बिल्कुल ही आखिरी पोस्ट सामने चंद मीटर दूर पीओके का इलाका, तो खतरा तो बेहद ज्यादा है। खतरा बहुत ज्यादा है, पर भी हम 24 घंटे अलग रात के समय, क्योंकि घना कोहरा भी होता है, जंगल भी घना है, ऐसे में अगर आतंकी घुसपैठिया दिखता है तो वहां पर जाना, उसे मौत की नींद सुलाना, वो भी चुनौतियों से भरा होता है। हाँ, बहुत। अभी क्या है कि मौसम खराब होते भी जाके दुश्मन को करना है। बिल्कुल जी, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन ट्रेनिंग बेहद कठिन है
और यही वो बहादुर जवान है जो दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं। इन बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, LOC, नौशहरा सेक्टर।